સમગ્ર ભારતમાં એનઆરસી અને સીએએ કાયદાના વિરોધમાં બંધનું એલાન આપવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે સુરતના નાનપુરા વિસ્તારમાં મહિલાઓએ ખુદાની બંદકી કરી અનોખી રીતે એનઆરસી અને સીએએનો વિરોધ કર્યો હતો. मेरा नाम रुखसाना खान है और हमने ये साइन बाग का एक आयोजन किया है. उसमें माशाल्लाह 2-3 हज़ार से ज़्यादा बहनें हैं और हर धर्म की बहनें हमारे सपोर्ट में हैं और इस साइन बाग को हम सफल करके रहेंगे. और एनआरसी और सीए जो एनपीआर सरकार ने बिन संवैधानिक का संविधान के खिलाफ जो लादा है नागरिक पे, वो हम ख़त्म करके रहेंगे. इसके लिए आज हम इतनी बहनें जमा हुई है और हम हमारा हक लेके रहेंगे. आज यहाँ पे लिम्बायत में ओम नगर में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट एनआरसी सीएए एंड एनपीआर. हमको जैसे कि पता है कि ये कानून, ये एक्ट नरेंद्र मोदी जी ऐड कर रहे हैं जो पहले से अंबेडकर सर का, जो बाबा साहेब अंबेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बना चुके हैं उसके अंदर, उससे हम लोग सेटिस्फाइड थे. और ये नए नए कानून नरेंद्र मोदी जी अपने हिसाब से उसमें ऐड कर रहे हैं, हम ये मानने वाले नहीं है. ये सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है एनसीआर और एनपीआर और सीएए के द्वारा. बिकॉज द एक्ट सेज दैट इफ़ यू आर मुस्लिम देन If you are Muslim, then you have to prove that you are Indian. हालांकि आज़ादी में मुस्लिमों का भी एक तरफा साथ है, जितना हिंदुओं का था, जितना सिखों का था, जितना ईसाइयों का था, सबका बराबर का साथ है. लेकिन सिर्फ मुसलमानों को ये प्रूव करना पड़ रहा है कि वो इंडियन है, हालांकि वो इंडियन है. और हाँ, अगर बांग्लादेशी हिंदू है तो उनको प्रूव करने के लिए ज़रूरत नहीं है, उनको सिटीजनशिप मिल रही है. तो नरेंद्र मोदी का ये काला कानून हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है. हमारा ये प्रोटेस्ट उसी के खिलाफ है. हम लोग ये कानून लेने वाले नहीं है. इसके अपोजिशन में हमारी जान पे खेल के हम लोग लड़ाई करेंगे. जितना शाहीन बाग में हो रहा है उतना हम यहाँ क्रिएट करेंगे. जो अमित शाह जो होम मिनिस्टर है इंडिया का, वो पहले हमसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, वो पहले अपने बारे में बताए. उसके ऊपर जो क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, किडनैपिंग के, फेक एनकाउंटर के, वो उसके डॉक्यूमेंट्स हमको दे कि उसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है या नहीं है. वो कौन होता है हमसे मांगने वाला जो खुद एक क्रिमिनल है? मोदी खुद एक क्रिमिनल है, वो कौन होता है हमसे मांगने वाला हमारे डॉक्यूमेंट्स? हमारे दादा परदादा सब यही जन्म लिए हैं. 1947 में हमने इंडिया चूज़ किया, हमने मौलाना आज़ाद का फरमान लेके इंडिया चूज़ किया. हमने पाकिस्तान चूज़ नहीं किया. हमारे पास ऑप्शन थे मौलाना आज़ाद और मोहम्मद जिन्ना, बट हमने मौलाना आज़ाद को चूज़ किया. नरेंद्र मोदी जी के पास पहले 20 साल से एक मुद्दा था, वो था बाबरी मस्जिद का. वो हिंदुस्तान को सिर्फ अलग करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं, सेक्युलरिज्म हिंदुस्तान का ख़त्म करना चाहते हैं, वो सेक्युलरिज्म धर्म के नाम पर ख़त्म करना चाहते हैं. 20 साल से जो बाबरी मस्जिद का मुद्दा चल रहा था वो आज ख़त्म हो गया है. वो उसमें भी इंसाफ हमको नहीं मिला. 3 तलाक का मामला उन्होंने बेवजह उठाया, उसमें भी हमको इंसाफ नहीं मिला. तो नरेंद्र मोदी समझते हैं कि वो जो भी कानून हमारे ऊपर नाफिज करेंगे हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे. इट्स इम्पॉसिबल, हम उसको एक्सेप्ट करने वाले नहीं है. इस बार हमारे हक का सवाल है, हम यहाँ के सिटीजन हैं और हमको ये प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ना हम प्रूव करेंगे, ना हम एनआरसी को अपनाएंगे. दूसरी चीज़ दो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जितने भी बड़े पॉलिटिशियन हैं, जो भाजपा के पॉलिटिशियन हैं, वो ये सब कानून इसलिए लाते हैं ताकि वो उसकी आग लगा के उस पर अपनी राजनीति की रोटियां सेक सके. उनका ये मकसद है. उनका ये मकसद नहीं है कि इंडिया का प्रोग्रेस कहाँ होना चाहिए, उसके स्टूडेंट्स को प्रोग्रेस दो, उनके स्टूडेंट्स को साथ दो. हालांकि वो उनके स्टूडेंट्स को मार रहे हैं. उनका यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की हद है, इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन की हद है. इंडिया के प्रोग्रेस के बारे में सोचो. यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनको जॉब दो. उनको एनआरसी नहीं चाहिए, उनको जॉब चाहिए. ये हमारी डिमांड है.